subscribe and press the bell icon to never miss a video from NYOOOZ. सबसे पहले सोच ये है कि महिलाओं से सबसे पहले पाबंदी लगाते हैं, आप शाम को क्यों निकल रहे हैं या रात में क्यों निकल रहे हैं, आप किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह से चले, ये सब चीज़ों से हटकर सोचना चाहिए। ये सब चीज़ें हटाकर लोगों के नज़रिए को चेंज करने के लिए, उनके मतलब जिस तरह से वो देखते हैं, उन सब चीज़ों को चेंज करना चाहिए। कई तो वीडियो मैंने देखे हैं फेसबुक पे कि लोग सामने फेक कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक, कोई पब्लिक भी नहीं आना चाहती है। पहले तो जागरूकता लोगों में लानी चाहिए, सरकार को ऐसे कुछ बनाने चाहिए, नियम बनाने चाहिए, चीज़ें बनानी चाहिए जिससे लोगों को मोटिवेट कर सके वो, स्पेशली एजुकेशन को लेकर। और सेकेंडली कि कुछ ऐसा एक्टिविटी कराई जाए कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ज़्यादा विश्वास हो, ना कि दूसरों की बातों पे, सोसाइटी की बातों को सोच के वो लोग अपने बच्चों की, स्पेशली गर्ल्स की टांगों को खींचने की कोशिश करते हैं, उनको पीछे, उनको स्टेप बैक लेना पड़ता है। स्कूल में जुड़े हुए क्लासेज होनी चाहिए, जिस तरह पेंटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं तो ये सब भी होना चाहिए। और जैसे गाँव में मेरा जो मेन फोकस है गाँव की तरफ है, वहाँ पर लेडीज़ क्या होती है, घर में घुसी रहती हैं, पार्क साफ नहीं है, वहाँ पर घूम नहीं सकती, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो एक ऐसा क्राउड डेवलप करें कि लेडीज़ वहाँ आके बाहर घूमें, वहाँ क्लासेस लें, कम से कम दो लोग हंसे तो उनको जवाब दे सके वो लोग। लेकिन यहाँ पे शर्म बहुत, सबसे पहले शर्म आ जाती है कि उनको शर्म होती है कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग ये सोचते हैं, खुद भी पीछे, मम्मियाँ खुद तो होती ही पीछे हैं, बच्चों को भी पीछे ले लेती हैं, उनके फादर तो और भी, मतलब उनको आगे नहीं बढ़ने देते, अगर कोई दो घंटे के लगा कहाँ चले गए, कहाँ चले, मतलब ऑल दीज थिंग आर नॉट डिस्टर्बिंग। सिर्फ साल में एक बार महिला दिवस मनाने से महिला दिवस नहीं मनता है, रोज हमें देखना होगा कि कितनी महिलाएं, लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, कितनी लड़कियां दहेज पीड़ित होकर मारी न जा रही हैं, कितनी लड़कियां अपने माता पिता के घर में ही कैद होकर प्रताड़ित ना हो, कितनी लड़कियों को बेचा जा रहा है उठाकर, कितनी लड़कियों का अपहरण कर किया जाता है जो कि मिलती नहीं है, मार दिया जाता है। तो महिला दिवस व्यक्ति जागरूक हो, हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ महिलाओं के लिए, वो बच्चियां जिनका रोज़ बलात्कार होता है उसके लिए आवाज़ उठाए।